हरिद्वार में किसान यूनियन का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हम लगातार सरकार से किसान आयोग का गठन से लेकर पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को देश के अन्नदाता के हितों की पड़ी ही नहीं है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि किसान के हितों के लिए लड़ते लड़ते 40 साल गुजर गए। पहले कांग्रेस से किसान हितों के लिए लड़े, अब भाजपा से लड़ रहे हैं। किसानों के हितों की इन राजनीतिक पार्टियों को पड़ी ही नहीं है। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, आयोग का अध्यक्ष किसान हो, फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, बिजली के बिलों में कटौती की जाए, पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया जाए। वहीं किसान यूनियन के अध्यक्ष अविनाश ठाकुर ने कहा कि किसान के शहीद होने पर परिवार को 1 करोड़ दिया जाए, पुलिस और देश की रक्षा करने वालों को 5 करोड़ और जो कि चौथा स्तंभ पत्रकार है उनके शहीद होने पर परिवार वालों को 4 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। लोग कहते हैं कछु न कछु लेते होंगे, समर्थन देने का लेते होंगे, लेकिन हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया आज तक। भाजपा का किसी राजनीतिक पार्टी से कभी, किसी उद्योगपति से कभी त्याग तपस्या बलिदान की कहानी लिख दी है, लेकिन अब हमारा ये है कि चौथा पद है, हम मर जाएंगे। और ये इतने बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है नंबर 1, किसान आयोग का गठन करो, किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा, किसान आयोग के सदस्य किसान होंगे, गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान, मूंगफली का किसान, सरसों का किसान, आलू का किसान और फलों के किसान और सब्जियों के किसान, और वो ही अपनी लागत मूल्य के अनुसार लागत से जोड़ा दाम तय करेंगे, उसको अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बताएगा, सरकार को बताएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।